जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अवतार स्टडी 7054 में। मैं पाल प्रवीण, आज के वीडियो में बात करेंगे मैथ के इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, एकदम शॉर्ट ट्रिक बेस पर आधारित है। तो सभी लोग वीडियो को लास्ट तक देखेगा और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो आइए मित्रों, शुरुआत करते हैं आज के सवाल के साथ। आज का पहला प्रश्न है मित्रों, एक छात्र को एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त हुए और वह 6 अंकों से असफल हो गया, यानी 6 अंकों से फेल हो गया, तथा दूसरे छात्र को 40% अंक प्राप्त हुए, उसे उत्तीर्ण से 6 अंक अधिक मिले, यानी पास होने से उसको 6 अंक अधिक मिले, तो अधिकतम अंक क्या है? यहाँ पर हमको अधिकतम अंक बताना है। एक विद्यार्थी है, उसको 30% अंक प्राप्त हुए हैं और वह 6 नंबर से फेल हो गया है। दूसरा विद्यार्थी है, उसको 40% नंबर प्राप्त हुए हैं और उसको पास होने से 6 नंबर अधिक मिल गए हैं। तो इस सवाल को बहुत ही आसान ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे, सेकेंडों में आंसर आएगा। सबसे पहले यहाँ पर जो अंक मिले हैं, उसको नंबर मिले हैं, उनका अंतर कितना है मित्रों? जो भी यहाँ पर देखेंगे हम नंबर, उसको मिले हैं 6 अंक से फेल हुआ, ठीक है, 6 अंक से फेल हुआ है और 6 अंक इसको अधिक मिल गए हैं। टोटल डिफरेंस कितना होगा मित्रों? 12 नंबर का। बटे में हमको लिखना है, यहाँ पर 30% दे रखा है, यहाँ पर 40% दे रखा है, यानी इनके बीच का जो डिफरेंस है मित्रों वह कितना है? 10%, और गुणे में हमारा रहेगा 100। 0 से 0 काट देंगे, 12 दशावन कितना होता है? 120। अधिकतम नंबर की संख्या कितनी है मित्रों? 120। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर जो बी वाला दे रखा है, यही हमारा राइट आंसर है। आशा करते हैं कि आपको ये सवाल बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर समझ आया है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर करें। इसी के साथ बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न मित्रों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, दो संख्याएं दे रखी हैं, यहाँ पर संख्याएं दे रखी हैं 1, 2, 3, 5, 99 और 100 की आपस में गुणा की जाती है, गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी? यहाँ पर हमको गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी? सभी संख्याओं का 1 से 100 तक की संख्याओं का गुणा कराएंगे, फिर उसके अंत में जो शून्यों की संख्या होगी वह क्या होगी, यानी 0 कितने होंगे? तो इस सवाल को बहुत ही आसान ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जो सबसे बड़ा नंबर दे रखा है 100, इसको हम ले लेंगे 100 और क्या करेंगे, बटे में इसको 5 से भाग दे देंगे, इसको यहाँ से करेंगे तो कितना आएगा? 20। अब यहाँ पर हम 20 को एक बार फिर करेंगे, 20 ले लेंगे, 20 को क्या करेंगे मित्रों? 5 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा मित्रों? 4। अब 4 में 5 से भाग जाएगा नहीं तो यहीं पे छोड़ देंगे, टोटल नंबर गिनेंगे, टोटल नंबर कितने हैं मित्रों? 1, 2, 3, 4, 5, 6 हैं, गुणे 6 कर देंगे यानी 6, तो हमारा कितना आ जाएगा? 24। राइट आंसर क्या है मित्रों? ऑप्शन नंबर ए, यही हमारा क्या है? राइट आंसर है। अगर 1 से 100 तक की संख्याओं में हम गुणा कराते हैं तो 0 की संख्या कितनी आएगी? 24। यही हमारा राइट आंसर है। आशा करते हैं बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा सवाल। अगर समझ आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही टॉक शॉर्ट ट्रिक पर आधारित वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़ें, यहाँ पर आपको मिलेंगी बहुत सारी वीडियो जो कि शॉर्ट ट्रिक पर आधारित है, और इसके साथ साथ मिलेगी आपको GK GS की इम्पोर्टेंट क्लास जो आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले प्रश्न की बात करेंगे मित्रों। अगला प्रश्न है, 0.0735 में 3 का स्थानीय मान कितना है? यहाँ पर हमको 3 का स्थानीय मान बताना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, एकदम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जिस नंबर का स्थानीय मान निकालना होता है उसको लिखेंगे, और बटी में हमको क्या लिखना है? पॉइंट के बाद देखेंगे कितने नंबर पर 3 आता है, तो 1, 2, 3, तीसरे नंबर पर 3 आता है, तो यहाँ 1 लगाकर हम 3 0 लिख देंगे, 3 0, और यही हमारा क्या मित्रों? राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी वाला, 3/1000 जो दे रखा है राइट आंसर है। आशा करते हैं आपके सवाल बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो एक बार फिर से समझ लीजिए मित्रों। यहाँ पर जो दे रखा है, जिसका स्थानीय मान निकालना है वह 3 है। अब यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद कितने नंबर पर 3 आता है, तो 1 हो गया 2 हो गया और तीसरे नंबर पर क्या होता है मित्रों? 3 आता है, तो यहाँ पर 1 लगाकर 3 0 उतार देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। आशा करते हैं बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इसी के साथ अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न है मित्रों, एक व्यक्ति मैसूर से बेंगलोर तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आता है, कुल यात्रा की औसत गति बताएं। यहाँ पर हमको कुल यात्रा की औसत गति बतानी है। तो इस सवाल को मित्रों सॉल्व करने की बहुत ही आसान ट्रिक है। यहाँ पर एक फार्मूला होता है, उसको हम लगाएंगे यहाँ पर। यहाँ पर होता है 2 गुणे x गुणे y,
ठीक है, और बटे में रहेगा हमारा 100। तो यहाँ से हम इस सूत्र की सहायता से इसको सॉल्व करेंगे, तो गुणे में 2 है, एक्स मान लेंगे 40 को और वाई मान लेंगे 60 को, ठीक है। बटे में हमारा क्या है मित्रों, 100, 0 से 0 काट देंगे, 6 चौक 24 दूना कितना होता है मित्रों, 48, और यही हमारा क्या है राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वाला। आशा करते हैं कि आपको ये सवाल बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, अगर समझ आए तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में वीडियो को शेयर करें, और ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक पर आधारित वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, यहाँ पर आपको ढेर सारी वीडियो मिलेंगी जो कि एकदम शॉर्ट ट्रिक पर आधारित है, उसके साथ साथ डेली जीके जीएस की वीडियो भी मिलेंगी, तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलेंगे अगली फिर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।